अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेन हेडिंग, सब हेडिंग है आपकी स्क्रीन में है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले डेफिनेशन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ हिस्सा टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में आ जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में चला जाता है और कुछ हिस्सा वापस आ जाता है। दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन है, जबकि वापस आ जाना जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, नीचे डायग्राम एक बनी हुई है, इसके मुताबिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर है, उसके ऊपर एक लाइट रे ए ओ जो है वो जाके स्ट्राइक करती है। ए ओ इंसिडेंट रे कहलाती है, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। रे ओ से टकराने के बाद बी की तरफ जाती है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, और ओ के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यानी कि प्लेन मिरर के ऊपर ओ पॉइंट पे 90 का एंगल बनाएं तो ओ एन नॉर्मल कहलाता है। अब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ए ओ इंसिडेंट रे और ओ एन नॉर्मल, इसके दरमियान जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज सेट टू बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम जो है ये एक्सप्लेनेशन के एंड में बनानी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स होती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। पहली टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन, टॉप पे आपको डेफिनेशन नजर आएगी, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेस टकरा के एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं तो ऐसा रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर बहुत सी रेस स्ट्राइक करें और स्ट्राइक करने के बाद एक ही एंगल में वापस चली जाएं, एक ही डायरेक्शन में चली जाएं, तो ये हमारे पास कहलाएंगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि 12.2 डायग्राम आपने साथ बनानी है, रेस आएं टकरा के एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। सेकेंड टाइप है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, टॉप पे डेफिनेशन है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में रेस टकराने के बाद एक डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर रफ सरफेस हो हमारे पास तो लाइट रेस आती हैं, टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली जाती हैं, तो रफ सरफेसेस में इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि राइट साइड में डायग्राम में देखें, लाइट रेस आ रही हैं और टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली गई हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।